कठोपनिषद की एक उक्ति है, अड़ो अड़ियान मतो मयान आत्मा अस जंतु नीतम गोयाया तम क्रतु पश्चत वीत सुखो धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। मैं इसके केवल प्रथम वाक्य अड़ो अड़ियान मतो मयान की ही व्याख्या करूंगा, क्योंकि सारी की व्याख्या में बहुत अधिक समय लग जाएगा। इस एक पंक्ति का वास्तविक आशय न समझने के कारण प्रवाही समाज भी भटका हुआ है और हमारा सुंदर साथ भी भटका हुआ है। देखने में तो बहुत सामान्य सा वाक्य लगता है, कट शाखा है अथर्ववेद की, जिसका एक वाक्य है अड़ो अड़ियान मातो मयान, परमात्मा कैसा है, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है, कितना बड़ा है इसका भी आकलन नहीं, जितने अनंत की हम कल्पना कर सकते हैं बड़ी से बड़ी वस्तु उससे भी बड़ा है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से आज तक इसका अर्थ समझा नहीं जा चुका है। ऐसे तो वेदांत के नाम पर कई तरह की भ्रांतियां भी समाज में प्रचलित हो जाती हैं, और युवावस्था में क्या होता है, जोश होता है लेकिन होश कम होता है। मार्गदर्शन करने वाले कुछ वयोवृद्ध होते हैं, उनसे अधिक उम्र दराज के ही व्यक्तित्व होते हैं जो परमात्मा के संबंध में बताने का प्रयास करते हैं। युवा वर्ग जिस तरफ दौड़ पड़ता है तो दौड़ता जाता है, वो कई बार चिंतन में पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसमें कार्य करने की शक्ति तो होती है लेकिन विचारने की शक्ति कम होती है। उत्तरदायित्व तो उनका होता है जो उन युवाओं के पथ प्रदर्शक होते हैं। जैसे एक विचारधारा बन गई है कि तुम अपने मन के विकारों को दूर कर दो तो तुम स्वयं परमात्मा के समान बन जाओगे। अब देखिए उपनिषद के वाक्य लिया गया है कि ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति, लेकिन ब्रह्मविद कहा गया है केवल निर्मलता से संबंध नहीं है। आपने अपने विकारों को जीत लिया, लेकिन चित्त की जो वासनाएं जन्म जन्मांतरों की हैं, जब तक उसको पूर्णतया दग्ध नहीं किया, निर्विज समाधि में नहीं पहुंचे, परम गुहा में नहीं पहुंचे, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक तो आप ब्रह्मविद हो ही नहीं सकते। केवल वेदांत के कुछ सूत्र रट लेने से, कुछ उपनिषद के वाक्यों को याद कर लेने से कोई ब्रह्मविद नहीं बन सकता। और यह धारणा पाल लेना कि अब हम निर्मल हो गए हैं, हम ही साक्षात ब्रह्म हैं, ईश्वर नाम की कोई अनादि सत्ता नहीं, तो आप बताइए, आप में सृष्टि की रचना करने का गुण नहीं, सृष्टि का पालन आप नहीं कर सकते, एक छोटा सा धूल का कण भी बनाने की आपके सामर्थ्य नहीं, तो आपकी तुलना परमात्मा से कैसे हो सकती है। उपनिषद के ऋषिकार ने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है आनंदम ही लब्धवा आनंदी बोध, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म के तदोगत होता है। जैसे अग्नि में लोहा डालेंगे तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है, वैसे ही जब जीव ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जीव भाव से परे हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ब्रह्म की साधारणता को प्राप्त कर उसके आनंद को प्राप्त कर लेता है, प्रेम को प्राप्त कर लेता है, ये भाव है। ऐसा नहीं कि इसमें सृष्टि कर्तृत्व भी आ जाएगा, सृष्टि की रचना, सृष्टि के पालन का भी गुण आ जाएगा, सृष्टि का संहार करने की भी क्षमता आ जाएगी, ये संभव नहीं है। हम सुंदर जात भी कई भ्रांतियों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे देखा जाए कि कोई महल होता है, उसकी सजावट होती है, लेकिन वो सजावट कब हो सकती है, जब महल का ढांचा किया खड़ा हो। दार्शनिक सिद्धांतों में जब तक हमारी दृढ़ता नहीं होगी, दार्शनिक सिद्धांत क्या है, एक हमारे ज्ञान का एक महल होता है, और जब वही खड़ा ना हो तो केवल ऊपर की लिपापोती से, दीवारों को चिकना बनाने से महल कब तक खड़ा रहेगा, भरभरा कर गिर जाएगा। हम सुंदरता से भूल क्या होती है कि हम कभी कभी परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित लीलाओं में ज़्यादा खो जाते हैं, और राज्य श्यामा जी के आभूषणों को, उस सौंदर्य को जो अलौकिक है, प्रकृति से परे का है, उसको संसार में घटित करने का प्रयास करते हैं। तो जब नया एक व्यक्तित्व तो सुन रहा होता है तो उसको एक दुराव सा पैदा होता है कि ये कैसा ज्ञान है। जैसे आप परिक्रमा में अष्टपर की लीला में पढ़ेंगे कि पांची भूमिका में राज जी
शयन भी करते हैं, छठी भूमि में सुखपाल रहते हैं, सातवीं में हिंडोले हैं, आठवीं में हिंडोले हैं। तो राज जी झूला झूलते हैं, भोजन करने के बाद पानों का बीड़ा लेते हैं, फिर शयन करते हैं 12 से 3 बजे तक, शाम को टहलने जाते हैं, फिर वनों में खेलते हैं, कूदते हैं, सवेरे दर्शन देते हैं। तो कोई भी सोचेगा तो ये कोई राजा महाराजा की दिनचर्या का वर्णन है। पहले हमें सोचना चाहिए कि वाणी क्या कहती है। वाणी से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी वाणी को तारतम वाणी क्यों कहा गया। तारतम इसका साहित्यिक शब्द क्या हो गया, तारतम। कहने को तो 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषदों में केवल 11 ही वेदानुकूल हैं, एक दो और होंगे जैसे कौशातकी, कैवल्य उपनिषद वगैरह। शेष जो उपनिषद हैं 108 में, 14 के बाद जितने उपनिषद होंगे सभी पौराणिक मान्यताओं का पोषण करने वाले उपनिषद हैं। राम तापनी उपनिषद है, राम को परब्रह्म बनाएगी, और भी कई उपनिषद हैं, किसी में गणेश की मात्रा है, किसी में अन्य देवी देवताओं की मात्रा है। तो ये सभी वेदानुकूल नहीं है। उपनिषद का वाक्य होने का मतलब ये नहीं कि ये ब्रह्म वाक्य हो गया। रितंबरा प्रज्ञा प्रसूत मनीषियों ने जिस सत्य का वेदों से साक्षात्कार किया उसको उपनिषदों के रूप में, वेदों की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे वेदांत है। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदस्य अंतः, वेद का निर्णय, वेद कहना क्या चाहता है। वेद में 20,414 लगभग मंत्र हैं मूल संहिता में, और इसके लगभग आधे 9-10 हज़ार मंत्रों में अध्यात्म तत्व की व्याख्या है, शेष भौतिक विद्याओं का भी वर्णन है, परा और अपरा दोनों विद्याएं। जैसे सामवेद में 1,873 मंत्र हैं, ये सारे मंत्र ऋग्वेद में भी हैं। ऋग्वेद 10,589 मंत्र हैं, मैं इस पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा। सारे मंत्र मिलाए जाएँ आध्यात्मिक तो लगभग 10,000 के आसपास मंत्र होंगे। उसको 555 सरल सूत्रों में व्यास जी ने अपनी रितंबरा प्रज्ञा से संकलित कर दिया कि वेद के आशय को समझे। लेकिन उसको न समझने के कारण कई वाद खड़े हो गए, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, न जाने कितना क्या क्या सिद्धांत हो गए, और सूत्रों की व्याख्या में सारे विद्वान आपस में विरोधाभास खड़ा करते हैं। मैं उपनिषद की बात कर रहा था। देखिए आज पूरा हिंदू समाज शालिग्राम, शिवलिंग, वृक्षों की पूजा में लगा हुआ है। केवल त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद पढ़ ले तो उसमें क्या लिखा है, आदि नारायण के एक एक रोम में न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ब्रह्मांड के साथ भ्रमण किया करते हैं। अब सोचिए वो उपनिषद क्या बता रहा है कि एक आदि नारायण के रोम रोम में न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इसके चारों ओर प्रकृति का आवरण है, महाशून्य का आवरण है। यदि आप पुराण संगीत, अब उसी उपनिषद में कहा गया है कि अक्षरात संभवति विश्व, मुंडक उपनिषद में उसी में कहा गया है कि अप्राणो अमनो सुभ्रो ये अक्षरात पढ़ता परा। तो क्षर पुरुष जो नारायण है, अक्षर पुरुष कौन है, अक्षरातीत उत्तम पुरुष कौन है, जो दिव्य ब्रह्म पूरे ही है, सब व्योम आत्मा प्रतिष्ठम, इन सारे उपनिषदों के कथनों की संगति केवल तारतम वाणी के प्रकाश में लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कोई 108 उपनिषद पढ़ ले कहे कि मैं सारे उपनिषद जानता हूँ तो विरोधाभास में ही पढ़ा रहेगा, कहेगा कि नहीं, कहे कोई कहेगा कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ही परमात्मा है, क्योंकि कहा है उसी मुंडक उपनिषद में कि प्रणो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्व लक्षम उच्चते अप्रमत्ते ने वेद्यम सर्वतन्मय भवित। तो कहीं अक्षर को परमात्मा बनाया जा रहा है, कोई नारायण को परमात्मा बनाया जा रहा है, और उन्हीं उपनिषदों में कहीं राम को, कहीं किसी गणेश को, कहीं किसी को, एक नृसिंह तापनी उपनिषद है उसके अनुसार नृसिंह अवतार ही सब कुछ है। तो कोई निर्णय ही नहीं कर सकता। आपको राजी ने तारतम वाणी का प्रकाश दिया, लेकिन तारतम वाणी का चिंतन करने के बाद हम सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं भटक गए हैं, क्योंकि हम चितवनी से दूर हैं, और युवा वर्ग इसमें ज़्यादा भटक जाता है क्योंकि उसका मार्गदर्शक कोई नहीं होता। देखिए वृद्धों के पास एक पूरे जीवन का एक लंबा अनुभव होता है। कोई भी, हमारी संस्कृति क्या कहती है, विदेशों में आप जाएंगे तो वृद्धों को कोई पूछता नहीं है। अमेरिका युवाओं के लिए स्वर्ग है और वृद्धों के लिए नरक है, कोई पूछने वाला वृद्धों को नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में चाहे अरबोपति हो, चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, घर आएगा तो अपने वृद्धों जनों को पैर छूकर ही प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति वृद्धों को आदर देती है। तो कहने का आशय क्या है, वृद्धों का कार्य है युवा वर्ग को मार्गदर्शन देना।
युवाओं का है कार्य है कि उस ज्ञान की धारा को आत्मसात करके उनके पास शारीरिक मानसिक बौद्धिक सारी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को सकारात्मक भाव से प्रस्तुत करना। लेकिन जब युवा वर्ग सोचता है कि मुझे किसी की बात नहीं मानी है तो भटका वहीं से शुरू हो जाता है। मैं वही बात बता रहा था कि वेदांत के सूत्रों का वास्तविक आसर न जानने के कारण जो समाज में, हमारे समाज में, पूरे हिंदू समाज में, विश्व स्तर पर देखा जाए तो अच्छे अच्छे उपदेष्टा भी भटकाव के शिकार हैं, कि क्योंकि उन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया होता है और उसकी भी बारीकियों को नहीं समझा होता है। आदि शंकराचार्य के कथनों को समझने के लिए आदि शंकराचार्य के आध्यात्मिक स्तर पर जाकर के समझना पड़ेगा। उन्होंने नाम रूप से परे जो त्रिगुणातीत चैतन्य है उसकी व्याख्या का की है, जहाँ जीव भाव का संबंध है। जीव ने तो स्थूल शरीर धारण किया है, ये नाम है, रूप है, उसने एक नाम और रूप को जो धारण किया है तो ये तो ये ब्रह्मात्मक जगत में फंसा पड़ा है, उसको ब्रह्म कैसे कहा जा सकता है। हम जरूर विवेक चूड़ामणि पढ़कर कह देंगे कि जीव ब्रह्म नहीं हो पर, तो इसे मान्यता नहीं होती। शंकराचार्य जी का कहने का आशय क्या है कि जो त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएगा वो त्रिगुणातीत के कथनों को समझेगा। हम सुंदर साथ में भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम लौकिक दृष्टि से राजी श्यामा जी को देखते हैं, वस्त्र और आभूषणों को देखते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अर्श का वर्णन किया ले मसाला इत का, यहां के दृष्टांतों से परम धाम की सारी लीलाओं को समझाया गया है। ऐसा ना समझिए कि राजी जब भोजन करने जाते हैं सिराज पहने वस्त्र पिछोरी कमर पर पहनी पिछोरी कमर पर और फिर भोजन कर लिए, फिर उनको पान बीड़ा दिया जाता है, तो ये राजा महाराजाओं का जैसे महल में खिलाया पिलाया जाता था उस तरह से वर्णन किया गया है हमारी मानवीय स्थूल बुद्धि को अध्यात्म से केवल जोड़ने के लिए। क्योंकि वो स्वरूप कैसा है, मैं पहले शब्द की जो उक्ति बोली थी मैंने, अड़ो अड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मनुष्य जितनी सूक्ष्मता की कल्पना कर सकता है परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। आप कहेंगे कि कैसे संभव है, आप देखिए ये जो अनंत सृष्टि दिखाई दे रही है कहां से पैदा हुई है, सूक्ष्मतम प्रकृति से पैदा हुई है, प्रकृति का ऐसा सूक्ष्मतम रूप जिसके बारे में मन बुद्धि से कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि क्या है, दुनिया में ऐसी सूक्ष्मदर्शी आज तक नहीं बनी है जो हमारी बुद्धि को मन को चित्रांकन करके दिखा सके। इलेक्ट्रोनों प्रोटोनों न्यूट्रोनों हिग्स बोसॉन्स की बुद्धि के बारे में मन उस बहुत सोच रहा है, हिग्स बोसॉन्स भी अभी स्थूल है मन चित्त बुद्धि और अहंकार के आधार पर, क्योंकि हमारी इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई है, महातत्व से हमारी मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों अंतःकरण की रचना हुई है। महातत्व कितना सूक्ष्म है कोई आज तक बता नहीं पाया। महातत्व से सूक्ष्म कारण प्रकृति है जिसके बारे में जिसको अव्यक्त कहा जा सकता है, कि संसार के किसी भी यंत्र से किसी भी मेधा बुद्धि से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है। अड़ो अड़ियान, ये हिमालय दहकता हुआ सूरज और इस सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य वाली आकाशगंगा, इस आकाशगंगा से भी जो बड़ी जिसको सुपर गैलेक्सीज कहते हैं, इन सबकी रचना किसने की है, उस सूक्ष्मतम प्रकृति ने की है जिसके सूक्ष्मतम कण को आज तक कोई जान नहीं पाया। हम हिग्स बोसॉन का कर संतोष कर लेते हैं लेकिन सच ये है प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप को केवल समाधि अवस्था में ही देखा जा सकता है। तो परमात्मा के बारे में क्या कहा गया, माता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषात् परम न किंचित साकाष्ठा सा परागति, वो परम गति है। महाता परम अव्यक्त, महातत्व से परे अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त से परे कौन है, वो अव्याकृत ब्रह्म का स्वरूप। आप सोचिए अव्याकृत सबली केवल सत स्वरूप से भी परे, जो चित चित सचित आनंदमय परम धाम है उसको हम स्थूल जगत में मनुष्य की सामान्य क्रीड़ाओं से जब जोड़ देते हैं, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि क्या इनके राज्य ऐसे परमात्मा हैं जो नृत्य भी देखते हैं रात को, शाम को टहलने भी जाते हैं, भोजन करके पान बीड़ा खाते हैं, झूला झूलने जाते हैं, पशुओं पर बैठकर सवारी करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। ये स्थूल जो लीलाएं हैं हमारी मानवीय बुद्धि को समझाने के लिए है, जैसे छोटे पहली प्राइमरी की कक्षा में
कोई बच्चा जाता है तो क्या कहते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, लेकिन एक अर्थ क का अर्थ कबूतर नहीं होता। कसमे देवाय हविषाविद में जो बच्चा बड़ा होगा तो क को बताया जाएगा, क का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, ख का अर्थ होता है आकाश, ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। लेकिन ये अर्थ यदि 5 साल के बच्चे को बताया जाता है तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। उसी तरह से जो परमात्मा है अड़ो अड़ियान, मैं आपको अभी स्थूल जगत की रचना के बारे में बता रहा था। विज्ञान जो है बिग बैंग थ्योरी को मानता है, और आप जानते हैं बस ये कहेगा कि सुई के अल्पीन की जो सुई की नोक होती है उसके 1 पॉइंट माइनस क्या 10 से भी ज़्यादा भाग, मानी सूक्ष्मतम भाग से में विस्फोट होता है। उसका आशय क्या है, सबसे सूक्ष्म कण से विस्फोट होता है। और आज भी विज्ञान मानता है कि ओम की ध्वनि होती है। दर्शन शास्त्रों में अध्यात्मवादी लोग ऐसा कहा करते हैं। आज नासा ने भी सिद्ध किया है कि सूर्य में ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। अब जो भी ये सच्चाई है, लेकिन ओम जो ब्रह्म का वाचक नाम है उसकी ध्वनि गूंजित होती है, वो संकल्प प्रकट होता है जिससे परमाणुओं में क्षोभ पैदा होता है, ये अनंत लोको लोकांतरों की रचना होती है, गैलेक्सियों का समूह प्रकट होता है, एक दो गैलेक्सी नहीं असंख्य गैलेक्सियां प्रकट होती हैं, असंख्य सूर्य नक्षत्र प्रकट होते हैं। किससे, एक सूक्ष्म कण से, सूक्ष्म प्रकृति से। तो जो अक्षरातीत का जो स्वरूप है वो कैसा है, क्या वह झूला झूलने से ही आनंद प्राप्त करता है? ये तो राजा महाराजा को चाहिए कि हाँ झूला झूल लिए खुश हो गए, सवेरे बालकनी में खड़े हो गए, दर्शन दे दिए अपनी प्रजा को, दर्शन दे दिए तो राज्य तीसरी भूमि के पटसाल में खड़े होकर के दर्शन देते हैं, क्योंकि हमने इन दृश्यों को देखा है। तो ऐसा कहने से हमें वो बातें समझ में आती है कि राज्य को उस रूप में देखा जाए तो हमारे अंदर प्रेम भर जाएगा। बस इन लीलाओं का उद्देश्य यही है कि प्रेम भर जाए। जैसे राज्य के जब श्रृंगार का वर्णन होता है तो पहली बात तो ये सोचिए कि सुंदर साथ एक भ्रम पाल बैठा है कि राज्य श्यामाजी मतलब स्त्री पुरुष, राज्य को स्त्री या पुरुष की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। स्त्री किसको कहते हैं, जिसमें माधुरता हो, जो समर्पण की प्रतिमूर्ति हो। पूरी सृष्टि को देख लीजिए, जड़ से चेतन तक जितने जड़ पदार्थ हैं उसमें क्या है, उसका सूक्ष्मतम कण क्या है, एक तरह से देखा जाए मोलेकुल्स कहेंगे, मैं परमाणु शब्द पर नहीं जाऊंगा। जिसको एटम्स कहते हैं उसको मेरी दृष्टि में अणु कहा जाएगा भारतीय दर्शन में, क्योंकि परमाणु का अर्थ होता है सूक्ष्मतम कण और वो अव्यक्त प्रकृति में होता है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन जो एटम्स है विज्ञान के अनुसार उसमें 3 तरह के कण होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक न्यूट्रल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से किसी एक अस्तित्व न हो तो उसकी रचना संभव नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इलेक्ट्रॉन भी तभी गमन करेंगे, जो विद्युत का प्रवाह तभी होगा जब एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। उसी तरह से चेतना में भी यही भाव है। पेड़ पौधों में भी देखिए, एक नर पौधा होता है एक मादा पौधा है। पपीते को देखिए, उसमें नर मादा दोनों के गुण होते हैं। कोई भी फल किसमें होते हैं, मादा पौधे में लगते हैं, उनमें भी प्रजनन प्रक्रिया होती है। प्राणियों को देखिए, उनमें भी एक स्त्री और पुरुष है। कारण क्या है, एक प्रेम करने वाला है, एक प्रेम को जिससे प्रेम कर रहा है। जो जड़ पदार्थ में प्रक्रिया है वही चेतन में भी प्रक्रिया है। नारित्व क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया को दर्शाना, और पुरुषत्व क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया को करने वाला। मूलतः दोनों एक ही तत्व है। अथर्ववेद का एक मंत्र होता है, तुम स्त्री असी तुम पुमानम तुम कुमारम उतवा कुमारी तुम जीर्णे दंडेन वंशे तुम जातो वह विष्टोमुखा। ये जीव कभी तू स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। ये हमारा ढांचा जो है ना, ये पुरुष है। हमारी चेतना स्त्री पुरुष की प्रवृत्ति से परे है। अपने संस्कारों के अनुसार कोई जीव जब स्त्री का तन धारण करता है तो दूसरों को देखा देखी स्त्री के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उससे पुरुष प्रेम करेगा। प्रकृति के सारा आकर्षण नारी के तन में समाहित हो जाता है तो पुरुष का मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। इस संसार में स्त्री पुरुष की परिभाषा यही दी जाती है। हर स्त्री के अंदर पुरुष विद्यमान होता है, हर पुरुष के अंदर स्त्री तत्व विराजमान होता है। कम और अधिक मात्रा में ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बता देंगे आपको। अगले कभी पूछिएगा कि किस तरह से
पुरुष तत्व की उत्पत्ति हो, पुरुष का तन पैदा होता है, किसी तरह से स्त्री तन का तन पैदा होते हैं, ये मेडिकल साइंस की बातें हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि हम सुंदर साथ आत्म तत्व को न जानकर राजी और श्यामाजी को स्त्री पुरुष के रूप में जब चित्रित करने लगते हैं तो ये बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है। सागर में क्या कहा गया, शोभा श्यामाजी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। राज्य ही श्यामा जी हैं, श्यामा जी ही राज्य हैं। ये भेद रखना कि राज्य जब कर्मकांड की हवा बहती है तो हमारे कर्मकांडी महापुरुषों ने राज्य को हमेशा दाएं बैठाना है और श्यामा जी को बाएं बैठाना है, क्योंकि उन्हें सिद्ध करना है कि राज्य पुरुष हैं और श्यामा जी स्त्री हैं। इस बात की शिक्षा उन्हें पुराण संहिता से लेनी चाहिए। पुराण संहिता में राज्जी पुराण संहिता में एक कथानक है, घटनाक्रम है, जिसमें दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते करते राधा का शरीर धारण कर लेते हैं। राधा श्री कृष्ण का ध्यान करते करते राधा श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते करते राधा बन जाते हैं और राधा श्री कृष्ण का ध्यान करते करते श्री कृष्ण बन जाते हैं। श्री कृष्ण का तन राधा हो गया, राधा का श्री कृष्ण तन उनमें परिवर्तित हो जाता है। भाव क्या है, मूलतः चेतना के धरातल पर कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, ये बाह्य आकृति में, बाह्य आकृति कहाँ से प्रकट होती है, हमारी भावनाओं से प्रकट होती है। लीला को समझाने के लिए ये शोभा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय को देखेंगे तो क्या लगेगा, आप सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि एक सुई की नोक के करोड़ों अरबों भाग से भी सूक्ष्म प्रकृति से ये हिमालय पर्वत बना है। कहा जाएगा तो कोई मानेगा, कहेगा कि नहीं सब ढोंग है, झूठ है। लेकिन जब प्रलय होगा तो हिमालय सूर्य चंद्रमा कहाँ चले जाएंगे, अव्यक्त प्रकृति में सब समाहित हो जाएंगे। इसलिए भी उपनिषद ने क्या कहा, अड़ो अड़ियान महतो मयान आत्माश्चंतु नीतम को है। वो गुहा क्या है इसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, समय स्वीकृति नहीं देता है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि सुंदर साथ परम धाम की लीलाओं को जैसा वाणी में वर्णन किया गया है वो स्थूल वर्णन किया गया है हमारी मानवीय बुद्धि को समझने के लिए। परिक्रमा ग्रंथ की टीका में इस तथ्य को खोलकर समझाने का राज्य की कृपा से मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है। तो सुंदर साथ जैसे आभूषणों में पहुँच गया, राज्य के हाथ में इतनी अंगूठी है, गले में इतने हार हैं, इसके पीछे विवाद खड़े हो जाते हैं। मैं सुंदर साथ से विनम्र आग्रह करूँगा कि परम धाम क्या है, अक्षरातीत के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। जिस तरह से कालमाया के ब्रह्मांड में अनंत सृष्टि की रचना एक सूक्ष्मतम कण से हुई है, विस्फोट से, जिसमें ब्रह्म का संकल्प जो प्रकट होता है उसी को विस्फोट विज्ञान की भाषा में कहा गया है, उसी को बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया है। उसी तरह से अक्षरातीत का हृदय, जब हम एक सामान्य जीव के हृदय को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते हैं, संसार के सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी भी उसको देखने में असमर्थ हैं, तो राज्य का एक हृदय अनंत रूपों में दिख रहा है, अनंत परम धाम के रूप में दिख रहा है। उस परम धाम के अंदर एक मूल मिलावे में एक के रूप में एक छोटी सी हवेली है जिसमें राज्य श्यामा जी का स्वरूप सिंहासन पर बैठा है। तो हम समझ लेते हैं कि राज्य श्यामा जी बस यही है, यही तो हमारी भूल है। पूरा परम धाम ही राज्य है और पूरा अनंत परम धाम राज्य के हृदय से प्रकट हुआ है। हम जैसा हृदय में भाव लेते हैं वैसा ही सब कुछ होता जाता है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि दार्शनिक तथ्यों पर वाणी के सत्य को परखने का प्रयास करें और दूसरों को हम बताने का प्रयास करें। यदि हम जड़ता की स्थिति में आ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि दूसरों की आस्था पर प्रहार होगा। हाँ, हम सुंदर साथ आपस में जितना समझते हैं हम अपने आत्मिक सुख के लिए राज्य के एक एक अंगों की शोभा में अवश्य जाएं, हमारा नैतिक अधिकार है। हम अपने मनोभावों के अनुसार राज्य श्यामा जी को श्रृंगारित करें, श्रृंगार कराएं, अपने हृदय में श्रृंगार कराएं। सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पर जो स्थूल लीला के रूप में जो चीज़ें वाणी में दर्शाई गई हैं वो केवल हमारे मन को बांधने के लिए हैं, वो तो शब्दातीत लीला है। उस शब्दातीत लीला को किसी भी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले ही श्री जी ने कह दिया, अर्श का वर्णन किया, ले मसाला इत का। यहाँ के दृष्टांतों से अनंत परम धाम की लीला को, जैसे अनंत गंगा के जल को एक छोटी सी शीशी में भर दिया जाए और कहा जाए कि ये गंगा है, उसी तरह से मैंने परम धाम की शब्दातीत लीला को भरने का प्रयास किया है। तो राज्य की शोभा श्रृंगार के माध्यम से हम ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य
पुरुष हैं और श्यामा जी स्त्री हैं, स्त्री पुरुष का भाव जब समाप्त हो जाएगा तब हम त्रिगुणातीत अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस संसार में नाम रूप में जो भी दिख जा रहा है वो प्रकृति का स्वरूप है, जो हमारे जीव का स्वरूप है उससे भी सूक्ष्म है आत्मा का स्वरूप, उससे भी सूक्ष्म है परात्म का स्वरूप, केहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार। इसलिए लौकिक शोभा में, लौकिक दिनचर्या में, लौकिक क्रियाओं के माध्यम से हमें केवल बाधा भर गया है, हम राज्य को सीमाबद्ध न करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित होगा। युवा वर्ग से निवेदन है, क्योंकि युवाओं का दिवस आने वाला है, तो मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा। अभी हमारे प्रवीण जी ने कितना मनोहर एक उद्बोधन किया समाज के लिए, युवा वर्ग प्रेरणा ले उस आदि शंकराचार्य से। जो एक 16 साल का बालक निकलता है, किसी का सहारा नहीं है उसको, लेकिन आत्मविश्वास है कि मैं इस देश से नासिकता को उखाड़ फेंकूंगा, और करतल भिक्षा तुरतलवास उसके हाथों में कमंडल, लेकिन हृदय में ज्ञान की ज्योति है। पैदल चलने का प्रण रखता है, केरला से निकलता है, पूरे देश का भ्रमण कर लेता है और सारे देश के चारों कोनों पर जाकर के वैदिक ज्योति की का ध्वज फहरा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके अनुयायी उसके पद चिन्हों पर नहीं चल पाए। हमारा समाज श्री जी की छत्र छाया में चला पला बढ़ा, लेकिन आज सो गया है। जब इसको जगाया जाता है, जैसे एक शरारती बच्चा जब उठाने पर कटु वचन बोलने लगता है, उसी तरह से जब इसको कहा जाता है कि उठो, वाणी का चिंतन करो, चितवनी करो, तो इसको बहुत गुस्सा लगता है। उसको लगता है कि हमारे नाच कूद से, हमारे उछल कूद से क्यों रोका जा रहा है, हमें सोने क्यों नहीं दिया जा रहा है। परिणाम क्या होता है, युवाओं का एक वर्ग भटक भी जाता है, वो वाणी के तत्व ज्ञान को नहीं जानता। एक एक चौपाई में राज्य ने ज्ञान का सागर भर रखा है। आज युवाओं से अपेक्षा है कि वे ब्रह्मात्माओं के पद चिन्हों पर चलें। अतीत काल में न जाने इस संसार में कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने तप त्याग से संसार को एक दिशा दी। हम उनके गुणों को ग्रहण करें और सारे संसार में तारतम्य वाणी की ज्योति को फैलाएं। आज समय भाव से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन यदि हम गीता ये उपनिषद की एक उक्ति अड़ो अड़ियान मातो मयान आत्मा इस जंतु निहितम कयाम, केवल एक पंक्ति है, इसको इसकी दार्शनिक व्याख्या कर सके तो सारा संसार एक बहुत प्रकाश का स्रोत पाया जाएगा। और वाणी में तो इसकी अथाह व्याख्या की गई है। दुर्भाग्य है कि हमारा समाज आज भी सावचेत नहीं हो रहा है, वो सोने की ईंटों से महल बनाना राज्य को पधराना चाहता है। भविष्य में ऐसी भी कल्पना होने लगी है कि राज्य समाज की मूर्ति बना दी जाए, फिर वही घंटी घड़ियाल वही आडंबर शुरू हो जाना है, तो क्या होगा। जो सो रहा है और गहरी निद्रा में सो जाएगा ये समाज। आवश्यकता है ज्ञान के प्रकाश की, और उसके संवाहक ऐसे बने जो आदि शंकराचार्य की तरह, महर्षि दयानंद की तरह। 3 दिन तक उन्हें खाने को ही नहीं मिला था, तो एक किसान से कच्चा बैगन मांग करके खाया था। ऐसा दयानंद जो नंग धड़ शरीर लिए गंगोत्री के पास की गुफा में 2.5 वर्ष तपता रहा। उसके पास कंबल नहीं है, एक बिछाने के लिए भी कोई आसन नहीं है। कल मैंने कहीं चर्चा में बोला था कि देखिए हमारा समाज कितना भटक गया है, करोड़ों करोड़ों के मंदिर तक बना रहा है, लेकिन मैंने ये बंगलौर के सुंदर साथ से बोला था कि भाई 5 सुंदर साथ 1-1 हज़ार की सेवा बंगलौर के गुरुकुल में, बंगलौर के ज्ञान केंद्र में भेजे, तो मैं सुनता हूँ वहाँ से क्यों 2 सुंदर साथ निकले, वहाँ कितने हैं 25 घर हैं और सब मिलकर के 50 घर हैं, लेकिन सरसावा रतनपुर से जुड़े हुए 25 घर हैं, 25 घर होंगे जिसमें 2-4 परिवार सरसावा से जुड़े हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि सबका वेतन 3-3 लाख है, बर्तन धोने वाले को तो 2,000 दे देंगे, लेकिन 1,000 रुपया देने के लिए भी सुंदर साथ को बोझ पड़ रहा है। तो आप सोचिए कितना हमारा समाज पीछे है, हमें ज्ञान की गरिमा का पता नहीं है। जिस ज्ञान की गरिमा को समझ करके आदि शंकराचार्य ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, कुमारिल भट्ट ने भूसी में तप तप कर अपने प्राणों को छोड़ा था, ऋषि दयानंद ने 1-2 बार नहीं 14 बार 20 का पान किया था, उस ज्ञान को फैलाने में इतना कष्ट झेला था। कहने का आशय क्या है,
हमारे समाज से जिस त्याग की अपेक्षा हो रही है, अभी हमारा समाज उस त्याग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सोते सोते स्वयं को भूल चुका है कि मेरी गरिमा क्या है और गरिमा के अनुसार आचरण मुझे क्या करना है। मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं दूंगा। समाज को यही संदेश देते हुए कि युवा वर्ग पुरानी भूलों को न दोहराए और नए प्रकाश में, तारतम्य वाणी के प्रकाश में आगे बढ़े और परम तत्व की तरफ गमन करें, क्योंकि आज जो युवा है कल वो भी वृद्ध बनेगा और उसके आने वाली पीढ़ियाँ उसके ऊपर हंसी करेगी यदि वह सही मार्ग पर नहीं चलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे कठोर वचनों को सुंदर साथ ध्यान रखेंगे और सत्य को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।